मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी। अगले तीन दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों में बदल जाएगा मौसम का मिजाज। पहाड़ी राज्यों से लेकर के मैदानी इलाकों तक देखने को मिलेगी झमाझम बारिश। सीजन की शुरुआत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आसाम के दौरान उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर पहुँचने की संभावना है। इसी के तहत पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चक्रवातीय प्रीसंचरण बनेगा और यह सिस्टम 14 अक्टूबर से हल्की से मध्यम बारिश देना शुरू कर देगा। पंजाब और हरियाणा के भी तलहटी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। अगले दो दिनों के दौरान 15 और 16 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की तीव्रता और फैलाव में बढ़ोतरी होगी। हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक के बाद एक यानी कि तीन पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेंगे, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी देंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक या दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। आज भी 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और हरियाणा राज्य के भी कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान राज्य में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होगी बारिश। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, गंगानगर जिले में मेघ गर्जन के साथ तेज बरसात की चेतावनी भी जारी की है। 17 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश राज्य के इन जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। दो संभागों में बारिश, आंधी का भी अलर्ट। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राज्य में मौसम के मिजाज में हल्के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग सहित सागर संभाग के जिलों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। राज्य में 17 अक्टूबर से बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जैसे जिले में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली में भी मध्यम बारिश की संभावना। 18 अक्टूबर को इनमें से अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। आज 13 अक्टूबर को दक्षिणी भारत के भी केरल, आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, पूर्वोत्तर भारत, उपिमाली, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।